बड़े चम्मच घी, आधा कप गोंद, थोड़ा सा इसको भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं गोंद फूल गया है, तो इसको हल्का सा पहले ठंडा होने देंगे। अब ये देखिए 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम बादाम और 50 ग्राम पिस्ता मैंने यहाँ लिया है, एक बार बढ़िया से रोस्ट कर लेंगे। इस स्टेज पर यहीं पर मैं इसमें डाल रही हूँ पॉपी सी नारियल का बुरा दांत, डेसिकेटेड कोकोनट। ये लीजिए, तो हमारा पूरा ड्राई फ्रूट मिक्स हो गया है, रोस्ट होकर तैयार। गैस को बंद कर देंगे और इसको भी निकाल देंगे। एक कटोरी से इस तरह से हम ना थोड़ा सा गोंद को हम क्रश कर देंगे। और अब नेक्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ ना सॉफ्ट वाला डेट्स लिया है और इसके बीच मैंने इस तरह से निकाल दिए हैं। ये देखिए मैंने बिल्कुल इस तरह से बिना पानी डाले इसको हल्का सा दरदरा कर दिया है। 2 से 3 बड़ा चम्मच घी, और घी को मेल्ट होने देंगे और खजूर डालकर बढ़िया से हम इसको भूनेंगे। और इस तरह से मैश करते हुए इसको बढ़िया से घी के साथ भूनिए, थोड़ा सा घी, और इसको बढ़िया से ग्रीस कर लेंगे बटर पेपर। तो बस इस स्टेज पर गैस को बंद कर दीजिए। और जो अभी हमने सारा ड्राई फ्रूट्स वगैरह भूनकर, पॉपी सीड्स वगैरह भूनकर तैयार किए थे ना, सारा गैस बंद पर आप इस पर डाल दीजिए। साथ ही डाल देंगे क्रश्ड गोंद, 1/4 छोटी चम्मच इलायची पाउडर, सौंठ का पाउडर, जायफल, मिक्स करेंगे। ये देखिए बहुत बहुत टेस्टी हमारा खजूर गोंद पाक है बिल्कुल तैयार। न्यूट्रिशन